Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go. That your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between who's and who's, and never mix up lose with lose. Which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say what, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. For your attempts will unravel, they'll come loose, and you won't be able to win. You just might lose. You must pay attention to spellings too. Listen carefully to every single clue. And remember, flu is not the same as flu. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. आप इंग्लिश और उसके बोलने वालों को या तो बावला कह सकते हैं या इन बावलों के साथ मिलके इस विचित्र भाषा का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश में बॉक्सिंग रिंग स्क्वायर हो सकता है और क्विक सैंड एकदम स्लो. हाय, मैं हूं केसी शंकर एंड वेलकम टू द फर्स्ट सेमीफाइनल एपिसोड ऑफ वर्ड मैच. वर्ड मैच, इंडिया फर्स्ट नेशन वाइड इंग्लिश लैंग्वेज गेम शो, जहां इंग्लिश के टॉपसी टर्वी और बहुत ही कर्वी रास्तों को मास्टर करने आई है 81 टीम्स. इन द प्रीवियस एपिसोड्स दैट नंबर हैज बीन विटेड डाउन ओवर टू स्टेजेस एंड 36 एपिसोड्स टू जस्ट 9 टीम्स. और आज हम मिलने जा रहे हैं विद 3 सेट्स ऑफ विनर्स. प्लीज वेलकम आवर सेमीफाइनलिस्ट. आइए बुलाते हैं हमारे सेमीफाइनल स्टेज की पहली टीम को हैप्पी चाइल्ड स्कूल गुवाहाटी से. Happy Child School Guwahati, semi-finals mein aapka swagat hai. Congratulations for making it this far. Apne naam bataiye please. Sneha Bhajan ka Happy Child High School Guwahati. Nikita Sekia, Happy Child High School Guwahati. Chaliye baaki teams ko bula le jaldi se. Bulate hain hamare second semi-finalists ko Gitanjali School Hyderabad se. Gitanjali School Hyderabad, congratulations on making it to the semi-finals. अपने नाम बताइए सबसे पहले. अमादुरिया कमला from Gitanjali Senior School Hyderabad. I'm Prit Sharma of Gitanjali Senior School Hyderabad. Prit, माधुरिया, welcome to the semi-finals of word match. अगली टीम को बुलाते हैं बिरला विद्या निकेतन दिल्ली से. Birla Vidyaniketan Delhi, welcome to the semi-finals. Thank you. Apne naam bataiye please. I'm Urvi from Birla Vidyaniketan Delhi. I'm Rishabh from Birla Vidyaniketan Delhi. Urvi, Rishabh, kaisa lag raha hai ab? Bahut acha lag raha hai yahan aake. The semi-finals, very exciting and thrilling. To shuru kare hamara game, aaj ka semi-finals ka episode. Game ka naam hai? Word Match. Ji haan, game ka naam hai Word Match. Pata hai, main kabhi-kabhi sochta hu कि अगर वेजिटेरियंस वेजिटेबल खाते हैं तो ह्यूमैनिटेरियंस क्या खाते होंगे. नहीं, अब ह्यूमंस मत कहना, क्योंकि ह्यूमंस खाने वालों को कहते हैं कैनिबल्स. कैनिबल्स, यू आर राइट. इसका मतलब हमारी जो टीम्स है वो खेलने को तैयार है. अपना शब्दकोश लाए आप लोग? शब्दकोश का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी. डिक्शनरी दिमाग या डिक्शनरी? डिक्शनरी. मैं चाहता हूं आप दोनों डिक्शनरी लाए और अपने माइंड में जो है वो बसा के रख ले, क्योंकि अगला गेम जो है इन दोनों भाषाओं का टेस्ट होने वाला है. मैं आपको हिंदी के शब्द दूंगा और आपको मुझे उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन करके देना है. बजर राउंड है, जो टीम पहले बजर दबाएगी उसे जवाब देने का मौका मिलेगा. हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 30 पॉइंट्स, हर गलत जवाब के लिए आपके कट जाएंगे 10 पॉइंट्स. तो खेलते हैं हमारा ये पहला गेम जिसका नाम है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. तीनों टीम्स को याद रहे ये हमारा सेमीफाइनल राउंड है, यानी इसके बाद कोई सेकंड चांस नहीं. बट नाउ इज द टाइम टू टेक योर गेम अप टू द नेक्स्ट लेवल, राइट? पहला शब्द तीनों टीम्स के लिए अभ्यास. गीतांजलि स्कूल हैदराबाद. और आपका टाइम खत्म होता है. लर्निंग वो होता है अभ्यास
आपके -10 points हो गए। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए है संगमरमर। बिरला विद्या निकेतन दिल्ली। मार्बल। मार्बल इज द करेक्ट ट्रांसलेशन फॉर संगमरमर। आपको मिले हैं 30 points। वेल प्लेड। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए, तैयार है आप लोग फॉर 30 points? ये है रेत घड़ी। हैप्पी चाय स्कूल गुवाहाटी। आवर ग्लास। और ये बिल्कुल सही जवाब है फॉर 30 points। वेल प्लेड। अगला शब्द आश्रम। बिरला विद्या निकेतन। मोनास्ट्री। आपने कहा मोनेस्ट्री और ये बिल्कुल सही जवाब है। ये हो सकता था एसाइलम और हर्मिटेज भी हो सकता था और आपको मिले हैं 30 points। वेल प्लेड। तीनों टीम्स के लिए मेरा अगला हिंदी का शब्द है श्रृंखला। आर्ट। I'm afraid that is the incorrect answer, Gitanjali School, Hyderabad. श्रृंखला का मतलब होता है चेन या सीरीज। -10 points, Gitanjali School, Hyderabad. अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए पर्यटन। Gitanjali School, Hyderabad. Expedition. आपने कहा expedition. So I'll have to accept that. आपको 30 points मिलता है Gitanjali School, Hyderabad. पर्यटन यानी कि टूरिज्म या एडवेंचर भी हो सकता था और आपको मिले हैं 30 points। वेल प्लेड। हमारा अगला शब्द आपके लिए है विसर्जन। बिरला विद्या निकेतन दिल्ली। मीन्स यू हैव टू यू पुट द आइडल इन द रिवर। इसका एक्चुअल मीनिंग या एक्चुअल ट्रांसलेशन जो होता है वो होता है डिस्पर्जन या डिसोल्यूशन। अनफॉर्चुनेटली आपने ये नहीं कहा। -10 points बिरला विद्या निकेतन। अगला शब्द तीनों के लिए है वायुसेना। हैप्पी चाइल्ड स्कूल गुवाहाटी। एयरफोर्स। एंड दैट आंसर विल अर्न यू 30 points। वेल प्लेड। अगला शब्द नीलम। बिरला विद्या निकेतन दिल्ली। एमरल्ड। अफ्रेड आपका जवाब गलत है। -10 points। सफायर इज द करेक्ट ट्रांसलेशन फॉर नीलम। आखिरी शब्द तीनों टीम्स के लिए प्रतिज्ञा। हैप्पी चाइल्ड स्कूल गुवाहाटी। ओथ। और ये बिल्कुल सही ट्रांसलेशन है फॉर 30 points। वेल प्लेड। And that brings us to the end of our first game, jiska naam tha Lost in Translation. To chaliye dekhte hain is pehle game ke baad kis team ki kaisi shuruaat rahi hai. Gitanjali School Hyderabad, aapne diya ek sahi jawab aur do galat jawab aur aapka score is game mein hua hai 10 points. Birla Vidya Niketan, do sahi jawab, do galat jawab. Yani aapka score hua hai 40 points. Happy Child School, 90 reasons to be happy. 3 sahi jawab, 90 points in this round. Well played all of you. Bahut acha khela, achi shuruaat hai. To chaliye vocabulary ko ek bar side mein rakh ke aate hain grammar ke paas, kyunki sirf shabd janna kafi nahi hota, unka istemal karna aana chahiye. Aur grammar wo slippery sadak hai jahan acche acche phisal jate hain. To aaiye khelte hain hamara agla game aur is game ka naam hai the grammar game. पहले हम सारे सेंटेंसेस हमारे जो एपिसोड के ऑथर्स होते थे उनके लिटरेरी वर्क से लिया करते थे, लेकिन अभी हमने वो नहीं किया है. अभी हमने ये सारे सेंटेंसेस रोज़मर्रा की ज़िंदगी से उठाए हैं, कुछ बोलचाल की भाषा से, कुछ कहीं साइन बोर्ड से, कुछ इंटरनेट से, लेकिन ये सारे सेंटेंसेस वो है जो आप डेली लाइफ में आपने या तो खुद यूज़ किए होंगे या दूसरों को यूज़ करते हुए देखा होगा. 4 सेंटेंसेस हैं, उनमें से 2 या 3 सेंटेंसेस सिंपल होंगे जिनका या तो कोई टेंस बिगड़ा होगा या उनमें कोई प्रेपोजिशन की प्रॉब्लम होगी या फिर उनमें आपको कोई आर्टिकल वगैरह उसमें बदलना है. एक सेंटेंस तो बिल्कुल ही बिगड़ा होगा. उस सेंटेंस का आपको मतलब समझ के उसको अपने वर्ड्स में रिफ्रेस करके आपको मुझे वही मतलब रख के उस सेंटेंस को बताना है. 4 सेंटेंसेस, अभी भी 90 सेकेंड का टाइम है आपके पास, यानी कि आप 120 पॉइंट कमा सकते हैं. तो आइए खेलते हैं हमारा ये दूसरा गेम जिसका नाम है द ग्रामर गेम. हैप्पी चाइल्ड स्कूल गुवाहाटी, तैयार है आप लोग? आपका पहला सेंटेंस है आई एम नॉट गुड इन कुकिंग, फॉर्चुनेटली माई हस्बैंड रियली लव कुकिंग. आई एम नॉट गुड एट कुकिंग, फॉर्चुनेटली माई हस्बैंड रियली लव्स कुकिंग. दैट इज करेक्ट. आपका अगला सेंटेंस है रवीज इंग्लिश इज रियली इम्प्रूव्ड, कॉमा नो रवीज इंग्लिश हैज रियली इम्प्रूव्ड, हैजंट इट. दैट इज करेक्ट. आपका अगला सेंटेंस है You are welcome to visit the cemetery where famous Russian and Soviet composers, artists and writers are buried daily except Thursday. You are welcome to visit the cemetery where famous Russian and Soviet composers, artists and writers were buried daily except on Thursdays.
That is incorrect. But next sentence. Agla sentence hai aapka. Please do not spilt everywhere and litter up. For dustbin, go backward from here. Please do not spit everywhere and litter up. To find the dustbin, you can go backward from here. That is incorrect. And your time is up. Char sentences the aapke paas. Jo teesra sentence tha hamara, kya matlab ban raha hai iska? You are welcome to visit the cemetery daily, except on Thursdays. This is the cemetery where famous Russian and Soviet composers, artists and writers are buried. That is perfect. Birla Vidya ne kehte, agar aap ye kehte, to 30 points kamate. Grammar galat hone se meaning change ho jata hai. Happy Child School, aapka jo last sentence tha, wo ye tha. Please do not litter here, use the dustbin. Simple solution hai na aapke paas. गीतांजलि स्कूल हैदराबाद, आपको समझ में आ गया है हमारा गेम इस बार? तैयार है आप लोग खेलने के लिए? आपका पहला सेंटेंस है, माई मदर आर बीइंग अब्रॉड, सो माई फादर ओनली इज टेकिंग केयर ऑफ अस व्हाइल शी इज गोइंग अवे. माई मदर इज अब्रॉड, सो माई फादर इज टेकिंग केयर ऑफ अस व्हाइल शी इज अवे. दैट इज करेक्ट. नेक्स्ट, अब है वेयर यू हैव बीन, वी आर वेटिंग फॉर यू सिंस 1 PM. अब है वेयर हैव यू बीन, We have been waiting for you since 1 PM. And that is correct. Aapka agla sentence hai, Grand Furniture has closing out sale. They are reducing their prices by 50%. Grand Furniture is closing out the sale. So they are reducing their prices by 50%. That is incorrect. Phir se sochiye. Keep it simple. Grand Furniture is reducing their prices by 50% because they are closing out sale. That is incorrect. Next sentence. आपका अगला sentence है, I want some repairs done to my pressure cooker as it has backfired and burnt my top off. I want some repairs to my pressure cooker since it has backfired and burnt my top. Think carefully. My pressure cooker has backfired and burnt my top, so I want some repairs to be done. That is incorrect. Remember, it's just a simple complaint letter. अगर आपके pressure cooker के साथ ऐसा हुआ हो, तो आप उसका replacement चाहते हैं. My pressure cooker is needs some repairs because it has backfired and burnt my top. Now relax, time खत्म हो चुका है आपका. Now let's game खत्म है. Time for a little bit of learning. ठीक है? Last sentence क्या था? My pressure cooker exploded and I wanted repaired. Third sentence जो आपका था, which was incorrect. तीनों team सुन लीजिए. Grand Furniture has a closing out sale. यहाँ तक ठीक है? And is reducing their prices by 50%. यानी कि आपके पहले दो sentences बिल्कुल ठीक थे, आखिरी के दो sentences में आप अटक गए, but still very well played. हमारा ये game easy नहीं है, ध्यान रहे. चलिए, बिरला विद्यानिकेतन दिल्ली, आपकी बारी है. आपका sentence है, You are looking fully great. You have been exercising at the fitness center. You are looking great. Have you been exercising at the fitness center? That is incorrect. अगला sentence है, Each company is sponsoring social initiatives for opening new markets. Each company is sponsoring social initiatives to open new markets. That is correct. Agla sentence hai. Would you like to be going to the movies tonight? Would you like to go to the movies tonight? That is correct. Cell phone speaking and testing is strictly prohibited during lightning and thunderstorm. Talking on the cell phone and testing is strictly prohibited during lightning and thunderstorms. That is correct. Well played. And your time is up. You played very well. हमारे तीन sentences आपने correct कर दिए हैं. एक जो sentence था वहाँ आपने गलती कर दी. You look great. Have you been exercising at the fitness center? Oof. तो इस तरह खत्म होता है हमारा grammar game, right? हमारे दूसरे game के scores है. Happy Child School Guwahati, आपने कमाए हैं 60 points. Well played. Gitanjali School Hyderabad, आपने भी कमाए हैं 60 points. Birla Vidyaniketan Delhi, आपने हमारे तीन sentences का grammar सुधारा है. और उनमें से एक sentence तो हमारा difficult, यानी कि बहुत ही tricky sentence था. So exceptionally well played, आपने कमाए हैं अपने लिए 90 points. यानी कि दो गेम खत्म हो चुके हैं. आप देख रहे हैं वर्ड मैच का पहला सेमीफाइनल. वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का. फिर मिलेंगे इसी शो पे जिसका नाम है वर्ड मैच.
वेलकम बैक टू वर्ड मैच, जहां हम अंग्रेजी नाम की भूल भुलैया को पार करने के कुछ सही रास्ते और कुछ चीट कोड्स दिखाते हैं। आज हमारा पहला सेमीफाइनल एपिसोड है, दो गेम्स हम खेल चुके हैं, आइए देखते हैं अभी तक के स्कोर्स। गीतांजलि स्कूल हैदराबाद, आप लोग थर्ड पोजीशन पे है, आपका स्कोर है 70 पॉइंट्स। बिरला विद्यानिकेतन दिल्ली, आप लोग सेकंड पोजीशन पे है, आपका स्कोर है 130 पॉइंट्स। और हैप्पी चाइल्ड स्कूल गुवाहाटी, आप अभी भी लीड में है लेकिन आपका स्कोर पहुंच गया है 150 पॉइंट्स पे। वेल प्लेड। ग्रामर रूल से अब आते हैं एक अलग तरह के गेम पर, यह है हमारा तीसरा गेम, यानी कि व्हाट्स द राइट वर्ड। इस गेम में क्या करना है आपको? हमें राइट वर्ड गेस करना है। वी गेट 30 सेकंड्स। वी गेट 3 क्लूज। अगर हम पहले क्लू में गेस कर ले तो हमें 100 पॉइंट्स मिलेंगे। सेकंड क्लू और 20 सेकंड के अंदर आपने गेस कर दिया तो आपको कितने पॉइंट मिलेंगे? 80 पॉइंट्स। थर्ड क्लू और 30 सेकंड्स में गेस किया तो 50 पॉइंट्स। शुरू करते हैं हमारे ये तीसरा गेम, जिस गेम का नाम है व्हाट्स द राइट वर्ड। हम शुरू करेंगे बिरला विद्या निकेतन दिल्ली से। पहला आपका क्लू है जिप्सी। वाइल्ड, जंगल, कैरवान, ट्रैवल, ऑर्फन, चाइल्ड, ब्लैक, कार, ट्रैवल। अगला वर्ड है आपका वैगाबॉन्ड। वी ए जी ए बी ओ एन डी। आइडिया, इसेंट्रिसिटी, ट्रेडिक्शन। तीसरा है वॉन्डरर। कैरवान, ट्रैवल, जिप्सी। पर्सन हु इज अ वॉन्डरर एंड अ जिप्सी। And your time is up. One second, Gitanjali School, आप हाथ उठा रहे हैं। प्रीत, क्या लग रहा है? Nomad है? आपको सूझा नहीं Nomad? सूझता अगर आप कहते तो आप शायद 100, शायद 80 या शायद 50 points कमा सकते थे। Gitanjali School, हैदराबाद, अब आपकी बारी है। आपका पहला शब्द है plumage। Color, mix of colors, darkness, purple। अगला word है आपका bird। दो क्लूज में दे चुका हूं। कैनरी, बर्ड, कलर, पेंट, प्लूमेज ऑफ अ बर्ड, कोट। आपका अगला क्लू है कैप, सी ए पी। कलर, आइकन, इट्स नॉट अ कलर। प्लूमेज का मतलब अगर आपको पता नहीं होगा आप इसलिए कलर, और आपका टाइम खत्म हो। बिरला विद्या ने कहते हैं इस बार आप फंस रहे। क्या होता है प्लूमेज का मतलब? सबसे पहले फेदर्स। प्लूमेज होता है फेदर। प्लूमेज सुनते ही सबसे पहले फेदर में ध्यान आता है। यही मेरा राइट वर्ड था। हैप्पी चाइल्ड स्कूल गुवाहाटी, पहला शब्द आपका है डिजाइनर। डिजाइनर, आर्टिस्ट, फैशन शो मॉडल, क्लोथ्स, एक्ट्रेस, एक्टर, डिजाइनर। ओके, आर्किटेक्ट। अगला क्लू है आर्किटेक्चर, क्रिएट, डिजाइनर, सॉफ्टवेयर, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स। तीसरा आपका क्लू है आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक, खत्म होता है हमारा ये तीसरा गेम, मिस्ट्री और सस्पेंस से भरा हुआ गेम जिसका नाम था व्हाट्स द राइट वर्ड। तीनों टीम्स ने अपने राइट वर्ड्स आसानी से गेस तो नहीं किए लेकिन एक दूसरे के वर्ड जरूर गेस कर लिए, यानी कि ये कॉम्पिटिशन अब डिसाइड होगा हमारे आखिरी गेम में। उससे पहले देख लेते हैं हमारे इस तीसरे गेम के स्कोर्स। जी हाँ, इस गेम में तीनों टीम्स के स्कोर जीरो है। तो ये तो थे हमारे तीसरे गेम के स्कोर्स। वर्ड मैच के इस एक्साइटिंग एपिसोड का कंक्लूजन देखने के लिए रेडी रहिए। हम आपसे मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद इसी शो पे जिसका नाम है वर्ड मैच। वेलकम बैक टू वर्ड मैच, इंडिया का पहला इंग्लिश लैंग्वेज गेम शो जहां सारे सवाल लिए गए हैं आईसीएसई और सीबीएसई के सिलेबस से। यह हमारा पहला सेमीफाइनल एपिसोड है और अब समय आ गया है तीन गेम्स के बाद के स्कोर्स देखने का।
स्कोर्स तो वही है जो सेकेंड गेम के बाद थे, क्योंकि थर्ड गेम की लाजवाब परफॉर्मेंस के बाद आप लोग वही है जहां थे। गीतांजलि स्कूल आप है थर्ड पोजीशन पे विद अ टोटल ऑफ 70 पॉइंट्स। बिरला विद्यानिकेतन दिल्ली आप है सेकंड पोजीशन पे विद अ टोटल ऑफ 130 पॉइंट्स। और हैप्पी चाइल्ड स्कूल यू स्टिल हैव 150 रीजंस टू बी हैप्पी बिकॉज आपका स्कोर 150 है और आप फर्स्ट पोजीशन पे है। वेल प्लेड। यानी कि अब समय आ गया है हमारे आखिरी गेम का, और ये ऐसा गेम है जिसका नाम सुन के स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश के प्रोफेसर्स को भी पसीना आ जाता है। और इस गेम का नाम है स्पेलेथॉन। इस गेम में आपको इंग्लिश का वर्ड दिया जाएगा, उसका करेक्ट स्पेलिंग बताना पड़ेगा। इट्स अ बजर राउंड। हर करेक्ट आंसर के लिए हमें मिलेंगे 20 पॉइंट्स, और हर गलत आंसर के लिए हमारे कट जाएंगे 10 पॉइंट्स। तो शुरू करें हमारे आखिरी गेम, जो डिसाइड करेगा कि आप तीनों में से कौन जाएगा हमारे फाइनल्स में। रेडी? तो शुरू करते हैं हमारा आखिरी गेम, जिस गेम का नाम है स्पेलेथॉन। आपका पहला शब्द है पिनकल। बिरला विद्यानिकेतन दिल्ली आपने बजर दबा दिया है। PINNACLE And that is the correct answer for 20 points. आपका अगला शब्द leprechaun. LEPRECHAUN और आपने अपनी टीम के लिए 20 पॉइंट्स कमा लिए हैं। अगला शब्द है effervescent. EFFERVESCIENT I'm afraid spelling correct नहीं। एक I जो है आपने एक्स्ट्रा लगा दिया। EFFERVESCENT आई आपने लगा दिया और आपको -10 की छड़ी पड़ी है। अगला शब्द हिप्नोटिज्म। हैप्पी चाइल्ड स्कूल गुवाहाटी। HYPNOTISM और ये बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है फॉर 20 पॉइंट्स। वेल प्लेड। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए परसिवियरेंस। गीतांजलि स्कूल हैदराबाद। PERSEVERENCE आपका जो आंसर है वो गलत है। -10 पॉइंट्स। गीतांजलि स्कूल हैदराबाद। परसिवियरेंस की करेक्ट स्पेलिंग है PERSEVERANCE परसिवियरेंस। अगला शब्द आपके लिए है मॉर्ग। हैप्पी चाइल्ड स्कूल गुवाहाटी। MORGUE इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर मॉर्ग। यू अर्न योरसेल्फ 20 पॉइंट्स। वेल प्लेड। अगला शब्द सेप्टर। गीतांजलि स्कूल हैदराबाद। SCEPTOR सेप्टर की करेक्ट स्पेलिंग है SCEPTER इसकी एक और स्पेलिंग होती है SCEPTRE सेप्टर। बोथ आर एक्सेप्टेबल। -10 पॉइंट्स। गीतांजलि स्कूल हैदराबाद। स्कोर्स में बहुत कम फर्क है अभी भी। वन ऑफ यू विल गो टू द फाइनल्स ऑफ वर्ड मैच। हिस्टेरिकल। बिरला विद्या निकेतन दिल्ली। HYSTERICAL हिस्टेरिकल। और ये बिल्कुल सही जवाब है फॉर 20 पॉइंट्स। वेल प्लेड। अगला शब्द सिमिली। बिरला विद्या निकेतन अगेन। SIMILE बिल्कुल करेक्ट है। 20 पॉइंट्स टू यू। ये आखिरी शब्द है मेरा 20 पॉइंट्स के लिए, और ये शब्द है प्रेरी। PRAIRIE 20 पॉइंट्स कमाए आपने। वेल प्लेड। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर लास्ट गेम, जिस गेम का नाम था स्पेलेथॉन। और हमारे फाइनल गेम यानी स्पेलेथॉन के स्कोर्स है गीतांजलि स्कूल हैदराबाद -20 पॉइंट्स, हैप्पी चाइल्ड स्कूल आपने कमाए हैं 60 पॉइंट्स, और बिरला विद्यानिकेतन आपने कमाए हैं 70 पॉइंट्स हमारे आखिरी गेम में। वेल प्लेड। तो किसने आई और ई में कर दी है अदला बदली, और किसने एक की जगह दो एल लगाए हैं, यही डिसाइड करेगा आज का विनर और हमारी तीनों टीम्स में से कौन सी जाएगी हमारे फाइनल्स में। देखते हैं फाइनल स्कोर्स। गीतांजलि स्कूल हैदराबाद आप है थर्ड प्लेस पे विद अ टोटल ऑफ 50 पॉइंट्स। बिरला विद्यानिकेतन दिल्ली, हैप्पी चाइल्ड स्कूल गुवाहाटी,
It's between you two. दोनों में से एक जा रही है. So it's time to tell you कि आप में से कौन जा रहा है हमारे फाइनल में. बिरला विद्यानिकेतन दिल्ली, आपने कमाए हैं 200 पॉइंट्स क्योंकि आप है सेकेंड पोजिशन पे, यानी कि हमारे सेमीफाइनल के विनर्स. यानी कि आप दोनों जा रहे हैं हमारे फाइनल्स में और आपने कमाए हैं इस गेम में 210 पॉइंट्स. वो 10 पॉइंट का फर्क है. हैप्पी चाइल्ड स्कूल, यू टू आर ऑन योर वे टू द फाइनल्स ऑफ वर्ड मैच. कंग्रेचुलेशंस. तो ये है वर्ड मैच. अगर इंग्लिश लैंग्वेज आपको लॉक कर देती है तो हम हैं उसकी चाबी, और अगर ग्रामर के रूल्स आपको डिहाइड्रेट कर देती है तो हम हैं एक ग्लास पानी, जहां हम खेल खेल में इस अनोखी भाषा के रहस्यों को सुलझाते हैं. आपके सवाल और फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं wordmatch@zq.in पर. मिलते हैं वर्ड मैच के अगले सेमीफाइनल्स में. Until next time, this is KC Shankar. और याद रहें, खेलते रहिए और किताबें पढ़ते रहिए. Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between who's and who's, and never mix up lose with lose. Which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match.